तो फाइनली कुछ साफ वाली पिक्चर लीक हुई है महिंद्रा 5-door थार की, या फिर आप इसको अर्माडा बोल सकते हो। देखने में नो डाउट बहुत जबरदस्त गाड़ी लग रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो भाई महिंद्रा थार ने बिल्कुल चेंज कर दी, और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो इसमें भाई एज इट इज वैसी रखी है जो 3-door थार होती थी उसमें। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर सामने आपको देखने को मिलता है तो इसका जो रेड मेटेलिक कलर है ना भाई, वो दिल जीत लेता है सबसे पहले। बाकी काफी सारे इसमें कलर आएंगे, लेकिन ये जो कलर है ना जो सबसे पहले पिक्चर दिखती है भाई, दिल उसी पे चला जाता है। और इसका जो कलर है रेड मेटेलिक, वो काफी शानदार करा गया। और उसके बाद देखोगे तो सबसे जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इसकी फ्रंट में आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, और 6-spoke वाली ग्रिल है। और ग्रिल का जो डिजाइन है ना, वो बिल्कुल यूनिक कर दिया, और या फिर इतना सिंपल ये इसलिए रखा है महिंद्रा ने, इनको पता है कि भाई बाहर अपना थार, जैसे थार की मॉडिफिकेशन लोग कराते हैं इतनी तगड़ी तगड़ी, तो लोगों ने भाई पिक्चर देख के ही इसकी ग्रिल तैयार कर दी होगी। करोल बाग वाले अपने औजार अस्थि पिंजर लेके भाई तैयार हो गए होंगे कि चलो इसका भी सामान बनाते हैं सारा। और इसके बाद अगर आप देखोगे जो फ्रंट विंडशील्ड है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, वो भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लग रही है। बीच में आपको रडार सेंसर मिलता है, जो आपका एडास टाइप 2 मिलता है, जो एक्सयूवी 3XO में भी आता है, तो वो ही शायद इसमें होगा, क्योंकि उससे नीचे तो भाई क्या ये डाउनग्रेड करेंगे। फ्रंट वाला बम्पर भी ड्यूल टोन में कर दिया है, जिसमें फ्रंट में आपको एक सिल्वर पार्ट देखने को मिलता है, साइड में पूरा ब्लैक पार्ट देखने को मिलता है। और फॉग लैंप की तरफ जाती हुई लाइनिंग है ना, ये दूर से काफी अट्रैक्टिव लगती है। और एलईडी लाइट गाड़ी की फ्रंट से भाई, वो भी काफी ज्यादा अपीलिंग लगती है। एलईडी लाइट चेंज कर दी है, लोग पहले आफ्टर मार्केट डलवाते थे, वो थोड़ी चाइनीज होती थी, ज्यादा नहीं चलती थी। अब हाँ, महिंद्रा ने भाई ये चीज डाल के दी है, तो तगड़ी ही क्वालिटी की होगी। बाकी वो रोड पे जब गाड़ी आ जाएगी, तब इसकी टेस्टिंग करेंगे, तब पता चलेगा कितनी तगड़ी एलईडी लाइट है। बाकी देखने में सी टाइप की इसमें लाइट मिलती है। और जो फेंडर पे इंडिकेटर है, वो भी भाई चेंज कर दिए है महिंद्रा ने, वो भी एक अलग छोटे थोड़े से साइज छोटा कर दिया है, लेकिन एलईडी होने वाले है, काफी तगड़े लगेंगे रात को ये भी। बाकी जो इसका हुड है, वो भी सेम ही है। एक चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि हुड में भी भाई थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। अब जिससे गाड़ी ये इंस्पायर है, उसके जैसा नहीं तो उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता कुछ ऐसा कर देते, ताकि लोगों को आफ्टर मॉडिफिकेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर आज चलो ठीक है, महिंद्रा ने अपने हिसाब से जो भी सोचा होगा वो सही सोचा है, लेकिन हुड में थोड़ा सा और क्रीज और इस टाइप का दे देते ना, तो और तगड़ी भाई लुक गाड़ी की निकल के आती। बाकी अब भी कुछ कम नहीं लग रही है। तो साइड में आगे वाला पार्ट भी आपको सेम वही देखने को मिलेगा, ORVM है साइड के, उसके नीचे देखो आपको थोड़ा सा बंप दिख रहा है। जी हाँ, 360 कैमरा भी गाड़ी में होने वाला है। और इसके थोड़ा सा आप सीधा देखो ऊपर, आपको भाई इतनी बड़ी शानदार पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है गाड़ी में, मतलब बहुत तगड़ा सिस्टम है। अगर ये शायद कंफर्म है या नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन हाँ जो ये दिख रही है ना ऊपर, भाई कमेंट करके आप बताओ कि यह पैनोरामिक सनरूफ ही है या सिर्फ हमें ही ऐसा लग रहा है कि ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। क्योंकि भाई जब ये आ जाएगी ना, तो गाड़ी ड्राइव करते टाइम ना, जो देख लो गोवा साइड और पहाड़ों वाड़ों में गाड़ी लेके जाएंगे, और जो पैनोरामिक सनरूफ ओपन होगी, भाई साहब लुक ही अलग आएगी, फील अलग आएगी गाड़ी की। और पीछे क्वार्टर ग्लास पे काफी चर्चा चल रही है कि क्वार्टर ग्लास थोड़ा सा भाई ऐसे टेढ़ा दे दिया, तो देख लो ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे तो भाई कुछ ज्यादा फर्क इसमें लगा नहीं, क्योंकि ज्यादा और नहीं दिखता, बढ़िया लगता है प्रॉपर। जब अभी ये स्पाई शॉट है, ये फ्रंट से और ऐसे साइड में से दिख रहे हैं, जब प्रॉपर साइड लुक आएगा ना गाड़ी का, और जो स्टांस देखने को मिलेगा भाई, वो तगड़ा मिलेगा। और आई एम श्योर ये जो चीज सोची है महिंद्रा ने, ये बिल्कुल यूनिक है, और तो शायद किसी गाड़ी में नहीं आता। और बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े ग्लास हैं भाई, गाड़ी की हाइट के हिसाब से भी काफी बड़े ग्लास हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया भी आपको भाई महसूस नहीं होगा गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। बाकी जैसे ही अंदर के कोई शॉट आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर गाड़ी जैसे ही लॉन्च होगी तो भाई वो पूरी कोशिश करेंगे आपको सबसे पहले गाड़ी दिखाने की। बाकी एक इसमें महिंद्रा ने भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली चीज कर दी, एक्सयूवी 300 में जैसे इंटीरियर आता है ना अंदर गंदा होने वाला, भाई वो इसमें सफेद वाला दे दिया। अब वो साफ कराने में भाई इतनी मशक्कत हो जाती है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। सबसे ज्यादा लोग जो वेट करेंगे इसमें भाई, इसका ब्लैक एडिशन का करेंगे, और उसमें देखते हैं इंटीरियर कैसा देते हैं, ब्लैक देते हैं या फिर ये ऐसे व्हाइट वाला इंटीरियर देंगे, क्योंकि व्हाइट तो भाई आई एम श्योर बहुत ज्यादा गंदा होने वाला है, वो उन लोगों को ही पता है। पर भाई एज ए कार एंथुसियास्ट सहलेंगे भाई, लोग सहलेंगे, बस एक बार ही गाड़ी तो आ जाओ। एक्सपेक्टेड जो डेट है भाई 15 अगस्त की है, 15 अगस्त पे गाड़ी लॉन्च होने वाली है, और पूरी कोशिश करेंगे भाई आपको सबसे पहले गाड़ी दिखाने की। तो आज की वीडियो में भाई इतना था, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और ऐसी ही नई नई चीजें देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो हरीश KKD। मिलते हैं आपको एक ऐसी नई वीडियो में, टिल देन मजे करो।